पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में शुक्रवार को डिब्रूगढ़ जाने वाली चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के इंजन और एक डिब्बे में अचानक आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना से मची अफरा तफरी में कुछ अन्य यात्री भी घायल हो गए। यह घटना न्यू जलपाईगुड़ी से पहले चटेरहाट स्टेशन के पास सुबह करीब 11 बजे हुई। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नृपेन भट्टाचार्य ने बताया कि इंजन में अचानक आग लग गई और वह इंजन से लगे डिब्बे में भी फैल गई। घबराहट में 2 यात्री ट्रेन से कूद गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। भट्टाचार्य ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। प्राथमिक जाँच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रेलवे ने जाँच के आदेश दे दिए हैं।